नमस्कार बच्चों बच्चों, आज फिर क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। इसका हम फर्स्ट चैप्टर चला रहे थे जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर समझा चुके हैं। उस फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, यानी आवेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश पर चार्ज कितना होता है, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कूलाम का नियम क्या है, इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट लेक्चर में समझा चुके हैं बच्चों, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बच्चों, आपको बता दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। कहने का मतलब, जिसमें दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, ऐसा सिस्टम बच्चों क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, आपको समझाएं, जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया -2 कूलम, ठीक, और एक दूसरा चार्ज है +2 कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमने मान ली है 2L। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे। क्यों बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे? क्योंकि हमने कहा, क्या कहा? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो बराबर परिमाण के आवेशों से तथा विपरीत प्रकृति हो। तो बच्चों देखिए, परिमाण इनका कैसा है? 2 कूलम 2 कूलम। ये परिमाण इनका कैसा है? बराबर है। परिमाण बच्चों कैसा है? बराबर है, क्योंकि दोनों का 2 कूलम है, ठीक। और प्रकृति कैसी है? माइनस प्लस। प्रकृति कैसी है? विपरीत। तो इस वजह से बच्चों ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। जैसे और मैं बात करूं, जैसे अगर मैं पूछूं, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे? बताओ, आप बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे? तो बच्चों आप कहेंगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि परिमाण तो बराबर है, परिमाण तो बराबर है, लेकिन प्रकृति जो कैसी है वो कैसी है? विपरीत नहीं है। प्रकृति कैसी है? अलग अलग है, सॉरी सेम है। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें, 5 कूलम और दूसरा हमने चार्ज ले लिया +6 कूलम। तो अगर हम आपसे कहें, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे? तो बच्चों आप यही कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर तो अलग टाइप का है, माइनस प्लस सही है, लेकिन जो परिमाण है वो कैसा है? समान नहीं है। कंडीशन ये है कि नेचर यानी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए जबकि परिमाण समान होना चाहिए, ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, ठीक। अच्छा, आप समझ गए होंगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश होते हैं जिनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है? 2L होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है बच्चों, ठीक। तो अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाऊं तो हम कैसे बनाएंगे? मान लो ये -Q कूलम चार्ज है, ठीक, एक ये दूसरा चार्ज है +Q कूलम, ठीक। इनके बीच की जो दूरी बच्चों रहेगी वो क्या रहेगी? 2L। 2L हम क्यों लेते हैं? L भी हम ले सकते हैं, 2L बच्चों इसलिए ली है क्योंकि 2L लेने से सवाल जब हम आगे प्रूफ करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के यूज हम आपको पढ़ाएंगे, उपयोग पढ़ाएंगे, तो उसमें 2L लेने से हमें थोड़ी आसानी रहेगी। 20 की डिस्टेंस 2L लेने से हमें क्या रहेगी? थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना, सिर्फ समझना। क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक सिस्टम है, मतलब एक मनगढ़ंती कहानी है, सब एक सोची विचारी कहानी है, एक इमेजन किया गया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो बराबर परिमाण के, इसका परिमाण क्या है? क्यू कूलाम। इसका परिमाण क्या है? क्यू कूलाम। बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के, बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है? 2L होती है, ठीक। तो अगर हम डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाना, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, लिख देना। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है यानी वैद्युत
द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम यानी निकाय एक ऐसा सिस्टम होता है जो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है ठीक, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है। ठीक, अब भी डेफिनेशन लिख देना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जो बराबर परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। बच्चों इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी आप याद रखना। तो इसकी कुछ विशेषताएं यानी स्पेशल केसेस अगर मैं बताएं, इसकी विशेषताएं आप लिख देना। पहली बच्चों इसकी विशेषता क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो अक्ष होती है, कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष क्या है, तो बच्चों आपका आंसर ये रहेगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये एक आवेश ये है ठीक, और ये एक आवेश ये है, इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है बच्चों, ये जो रेखा होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष कहलाती है, पहली विशेषता है। दूसरी बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की लंबाई क्या होती है। तो बच्चों आप याद रखना, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस यानी जो दूरी होती है जिसे हम 2L कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ कहलाती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टोटल यानी नेट चार्ज होता है वो शून्य होता है, यानी यह कह लें इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो कुल आवेश होता है बच्चों वो क्या होता है? शून्य होता है, कुल आवेश शून्य होता है ठीक, क्योंकि माइनस प्लस ऐड करेंगे जीरो आएगा, कुल आवेश शून्य होता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है वो शून्य नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो निगेटिव का नाम वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है जबकि कुल आवेश शून्य होता है। अगला पॉइंट यह है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी होता है। अगला पॉइंट बच्चों यह है कि इसमें जो डायरेक्शन जो मतलब जो दूरी नापी जाती है वो का नाम निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर यहाँ पर दूरी नापी जाती है बच्चों। तो विशेषताएं आप लिख देना, पहली क्या है? पहली विशेषता है बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है। पहला पॉइंट बच्चों। दूसरा पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की लंबाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तीसरा पॉइंट बच्चों यह है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल आवेश
कुल आवेश शून्य होता है। ठीक, जबकि जबकि वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। ठीक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बच्चों अगला बच्चों पॉइंट यह है, इसमें जो नाम इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। और अगला बच्चों पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा, इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक बच्चों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। कहानी आपको समझ में आ गई होगी, रटना नहीं समझना। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो अक्ष होती है वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, पहला पॉइंट। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ होती है वो इन आवेशों के बीच की दूरी होती है, दूसरा पॉइंट। इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज शून्य होता है, माइनस की प्लस की ऐड करेंगे जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज शून्य होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होता है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बनाएगा, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। बच्चों ये कहानी थी इलेक्ट्रिक डायपोल की। बच्चों आपको ये जो बता दें, ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 2L, ये हमेशा याद रखना, बहुत इनका जो इसका जो यूनिट होता है, अगर ये किस में नापी जाए तो अक्सर ये माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रम, इन चीज़ों में मापी जाती है। अब बच्चों अगली हेडिंग हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिटा दें इसे हम। तो जो अगली हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, अगली हेडिंग बच्चों क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बच्चों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किसी एक आवेश Q, यहाँ पर एक माइनस Q चार्ज है, दूसरा एक प्लस Q चार्ज है, किसी एक आवेश Q यानी किसी एक आवेश का परिमाण, या यूं कह लें किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट होता है, ये दो आवेश है ना, किसी एक आवेश का परिमाण, ओनली परिमाण सिलेक्ट कर रहा है, साइन नहीं, परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसे हम किससे, P से, तो P बराबर बन जाएगा Q इंटू 2L। रटने वाली बात ही नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के
बराबर होता है। ठीक बच्चों, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो इसका जो वेक्टर फॉर्म बच्चों होता है वो वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एम। बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि वेक्टर हमेशा वहीं लगाया जाता है जो चीज़ें वेक्टर होती हैं, यानी सदिश वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। क्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी है मैं मानता हूँ, लेकिन टू एल बच्चों क्या है, एक दूरी है, टू एल क्या अल्प दूरी है। तो आप ये बताइए 2L अगर अल्प दूरी है तो बच्चों दूरी क्या चीज़ होती है, दूरी अदिश राशि है। आप सोच रहे होंगे कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर जब बच्चों दूरी अदिश राशि है तो हमने दूरी के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, सोचने वाली बात है, सबसे गहराई वाली बात है, दिमाग से सोचना। देखिए अगर बच्चों दूरी को हम आज विस्थापन साबित कर दें, क्या साबित कर दें, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तब बच्चों ऐसे केस में जो दूरी है वो विस्थापन कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन कोई चीज कब कहलाती है, जब बच्चों दूरी में, जब दूरी में दिशा ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, दिशा। जब बच्चों दूरी में दिशा ऐड कर दो तब विस्थापन बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो 2L नाप रहे हैं दूरी, अगर हम कहें इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की अल्प दूरी 2L नापिए, तो ऐसा थोड़ी कि आप प्लस से माइनस की ओर नाप के लगे, ऐसा नहीं, उसका भी रूल है। इसमें एक डायरेक्शन निश्चित कर दी गई है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की आपको दूरी मापना है तो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ही माप सकेंगे। तो दूरी तो है इनके बीच की, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्शन भी मेंशन की गई है, दूरी सॉरी एक डायरेक्शन भी मेंशन की गई है जो कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। हम बता चुके हैं जब दूरी में दिशा मेंशन कर दी जाए तब वो विस्थापन कहलाएगी। मेरे बच्चों में विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसी वजह से 2L पर क्या लगाया गया, वेक्टर लगाया गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से आघूर्ण P, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L, उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक बच्चों, तो इसलिए हो जाएगा P इज इक्वल टू किसी एक आवेश Q और बीच की दूरी क्या है 2L। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला बना। इसका बच्चों यूनिट क्या रहेगा, Q का यूनिट होता है कूलाम, दूरी मीटर, मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, कूलाम मीटर यूनिट हो गया इसका। इसके बच्चों अगर हम बीमा निकालें तो देखिए क्यू की बीमा क्या होती है बच्चों, क्यू की बीमा होती है क्यू बराबर बच्चों क्या होता है, आई टी, आई टी। तो आई की ए टी की टी यानी क्यू की हो जाएगी ए टी, और टू एल क्या है बच्चों, एल दूरी है, दूरी की बीमा एल, तो उसकी बीमा बन जाएगी ए टी एल। क्या बच्चों बीमा बनेगी, ए टी एल। अगर बच्चों इसका हम वेक्टर रूप लिखें यानी सदिश रूप, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्यू पे वेक्टर नहीं लगेगा, ओनली एल पे वेक्टर आएगा। और मैं बता चुका हूँ कि एल पे क्यों वेक्टर आया, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है बच्चों वो माइनस से प्लस चार्ज की ओर मापी गई है, इस वजह से बच्चों एल के ऊपर वेक्टर आ गया है।
बच्चों ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इस टाइप से अगर आ जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इस टाइप से आपको बताना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर बच्चों ज़रूर करना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और जब आप शेयर नहीं करते हो तो वीडियो बनाने को दिल नहीं करता है, तो आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे अंदर भी थोड़ा उत्साह बना रहे, इसलिए हमको भी तभी अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। और फिजिक्स और मैथ की बच्चों डेली वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।